हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं सीएसएस लिंक टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में कि जब कोई भी लिंक्स आता है तो उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन किस टाइप का होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो अब हम समझे हैं कि लिंक के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में लिंक के जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो कैसे होते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज मैनुअली लिंक के नीचे जो अंडरलाइन दिखाई देती है उस अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए उसका यूज किया जाता है। देन यू मे वांट टू चेंज और रिमूव अ लिंक दैट टेक्स्ट डेकोरेशन व्हिच इज एन अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट। जो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आते हैं उसको रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन का हम यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो भी, अगर हमें उसको चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। वी कैन अचीव बाय यूजिंग द टेक्स्ट डेकोरेशन सीएसएस प्रॉपर्टी। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन है तो उसको डेकोरेट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे कि टेक्स्ट को किस स्टाइल में हमें देना है वो हम पे डिपेंड है, किस टाइप का वो क्लाइंट को कैसे प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम स्टाइल जो चाहे वो दे सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, उसमें अंडरलाइन देना है या फिर उसको नन कर देना है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, और जो हमारे होवर हैं जो लिंक की बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टीज आती हैं, तो एक है लिंक विजिटेड होवर एक्टिव। तो उस पर जब हम क्लिक करें तो नीचे टेक्स्ट डेकोरेशन जो आ रहा है तो उसके नीचे अंडरलाइन नहीं रखना है, तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करके उसे नन भी दे सकते हैं। ठीक है, देन उसकी उसको सिंटेक्स देखेंगे कि ये लिंक है तो लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा है वो नन होना चाहिए, मतलब कोई भी ज़्यादातर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जब हम उस पर विजिट कर रहे हैं, विजिट कर लिया है तो वो जो रेड कलर का इफेक्ट रहता है या फिर कोई भी कलर हमने प्रोवाइड किया है तो उसमें हमें नन रखना है, उसको कोई इफेक्ट नहीं देना है, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल सके। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख के रखा है। तो सिंपल सा हम पहले इसमें से चीज़ें रिमूव करेंगे, उसके बाद इसे रन करेंगे कि अभी इसका इंटरफेस कैसा दिख रहा है, तो वो हम ब्राउजर पे रन करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी लिंक आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो न्यू टैब पे एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिंक है वो मुझे रिमूव करना है। ठीक है, मुझे सिंपल से यहाँ पे खाली टेक्स्ट रखना है और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कोई भी मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो हम जब लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने सेव किया और ध्यान से देखिएगा यहाँ से अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। मैं वहाँ पे सीएसएस अप्लाई किया और यहाँ से वो रिमूव हो गया। तो सिंपल सा भी टेक्स्ट लग रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें कोई भी मूवमेंट नहीं लगेगी, बट हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी मैंने लिंक दिया है वो लिंक ओपन होगा। अच्छा, और एक और बात बताना चाहती हूँ आपको कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वो न्यू टैब में ओपन होगा, सेम टैब में ओपन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी एक छोटा सा कोड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये इस तरीके से ओपन हो गया, W3 स्क्रू का मैंने दिया है। तो यहाँ पे टारगेट ब्लैंक जो है, तो अगर मैं यहाँ से टारगेट ब्लैंक रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, तो अब हम इसे सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वो इसी टैब में ओपन होगा। ये देखिए इसी टैब में ओपन हुआ। तो अगर इस टैब में नहीं, हमें नेक्स्ट टैब में ओपन करना है, मतलब अलग टैब में ओपन करना है, तो हम टारगेट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसमें ओपन करेंगे, यहाँ पे रेड कलर का इफेक्ट आ रहा है और यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं अपने मुताबिक, अगर हमें जैसा अच्छा लग रहा है वैसा हम कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम देखें कि कैसे टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज किया जाता है, एक लिंक को किस पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अंडरलाइन और बिना अंडरलाइन के देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका यूज देख लिया कि टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज क्या है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।